बिसमिल्लिमरिम सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लैब फाइंडिंग्स ऑफ रियूमटॉइड आर्थराइटिस एंड इट्स ट्रीटमेंट सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट के हमारे पास अगर हम सी बी सी कराते हैं तो अब हमें वहाँ पर अनीमिया मिलेगा हमारे ब्लड सेल्स जो हैं उसका काउंट हमें डिक्रीज़ मिलेगा हमारे पास ई एस आर और हमारे पास सी रिएक्टिव प्रोटीन ब्रेस मिलेंगे जो कि इन्फ्लीमेशन को इंडिकेट करे होते हैं पॉजिटिव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी मिलेगी थर्टी परसेंट इसके बाद हमारे पास ड्यूमोडाइट फैक्टर जो होता है वो सेवनटी परसेंट जो है हमारे पास पॉजिटिव आता है और वो क्यों आता है क्योंकि हमारे पास ये अच्छा वैसे इसकी स्पेसिफिसिटी जो होती है ना वो पुअर होती है हाई डाइटर्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे और आर फैक्टर हमेशा आर्थराइटिस में पॉजिटिव आता है लेकिन अगर इसको हमें और वो करना है तो हम इसके आगे भी टेस्ट देखेंगे इसके साथ साथ हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बोसाइटोसिस ल्यूकोसाइटोपिनिया ल्यूकोसाइटोसिस कि हमारे पास ये सब जो है इनका काउंट डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स का और हमारे प्लेटिलेट्स का तो ये ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोसाइटोसिस जो है हमेशा ये बात याद रखनी है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही है जबकि हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपीनिया जो है वो हमारे पास फेल्टी सिंड्रोम में बढ़ रहा होता है और ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट कर रही होती है इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें कि जैसे आर एफ फैक्टर की स्पेसिफिसिटी पुअर थी लेकिन एंटी सी सी पी एंटीसाइक्लिक्रोलिन पैप्टाइड एंटीबॉडी इसकी सेंसिटिविटी जो है वो स, जो है हमारे पास सिमिलर होती है आर एफ फैक्टर से बट स्पेसिफिसिटी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होती है जैसे आर एफ फैक्टर की स्पेसिफिसिटी पुअर थी बट एन टी सी सी पी की स्पेसिफिसिटी जो है वो ज़्यादा है और ये इवन लाइक बिकम पॉजिटिव इवन बिफोर द आंसेट ऑफ डिजीज़ तो ये हमारे पास एक कन्फर्मेशन है या गोल्ड स्टैंडर्ड इसको हम टेस्ट कह सकते हैं फॉर रूमेटॉइड एर्थराइटिस एक्सरे हमारे पास बॉल कैचर व्यू किस तरह से हम ले सकते हैं हैंड और रेस्ट का तो इसके लिए हम बॉल कैचर व्यू हम इस तरह से व्यू लेते हैं कि पेशेंट का जो फिंगर्स या हाथ जो हैंड और रिस्ट है वो मतलब बॉल कैच करते ना इस तरह से उनको अपने होल्ड करना है और उसके बाद हम उनका व्यू लेते हैं तो हमें नज़र आता है एक तो फर्स्ट चीज़ सिमेट्रिकल नैरोइंग हुई होती है जॉइंट स्पेसिस की देन पैरी आर्टिकुलर ऑस्ट्रियोपिनिया ऑस्टियोपोरोसिस हमारे बोन मास जो है वो कम हुआ हुआ होता है और ऑस्टियो वीकनेस भी हुई हुई होती है बोन्स की बोन इरोजन हुए हुए होते हैं क्यों ड्यू टू द पैनस फॉर्मेशन क्योंकि पैनस फॉर्मेशन हुई हुई होती है तो हमारे पास बोन को इरोड कर देती है ब्रेक डाउन कर देती है कम्प्लीटली डैमेज कर देती है इसके बाद हमारे पास कुछ डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं और हमारे पास सब्लैगजेशन भी इसमें कॉमन होती है एंड एनगाइलॉसिस भी कॉमन होता है तो ये हमारे पास कुछ इसकी लैब फाइंडिंग्स हो गई और एक्सरे फाइंडिंग्स हो गई जो कि हम देख रहे होते हैं अब अगर हम बात करें पेनस फॉर्मेशन के बोन इरोजन हो रही है ड्यू टू पेनस फॉर्मेशन तो ये पेनस फॉर्मेशन ख़ुद क्या चीज़ है तो पेनस फॉर्मेशन हमारे पास एक ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन है जैसे हमारे पास साइनोवियल जॉइंट होता है मतलब साइनोवियल जॉइंट ऑबवियसली हमारे पास सारे जिसमें साइनोवियम प्रेजेंट होते हैं साइनोवियल लाइनिंग होती है तो साइनोवियल टिश्यूज़ जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वहीं पर ही हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है अराउंड द जॉइंट्स लेटरल और मीडियली ये जो है हमारे पास ग्रो कर जाते हैं और ये बनते कैसे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिब्रोब्लास्ट और इन्फ्लमेटरी सेल्स जो हैं कंबाइन होकर हमारे पास पैनस फॉर्मेशन को बनाते हैं क्रिएट करते हैं इसके साथ साथ ये हमारे पास जो है एनकाइलोसिस में ये रिजल्ट करता है एनकाइलोसिस में मतलब ये जो जॉइंट हैं दोनों इनके स्कार टिश्यूज़ हैं उनकी फ्यूजन हो जाती है लाइक दोनों जो जॉइंट्स जो होते जो जो हैं वो आपस में जो बोन्स होती हैं आर्टिकुलर कार्टिलेजेस वो कंबाइन होकर जुड़ जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स में ज़्यादातर टी सेल्स सी डी फोर टी सेल्स जो उनकी इन्वॉलमेंट होती है अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल तो इसका ठीक है बट फार्माकोलॉजिकल इस मोर इम्पॉटेंट इसके अलावा हमारे पास एक सिस्टमिक डिज़ीज़ है तो ये हमारे पास कुछ सिस्टम्स को भी इन्वॉल्व करती है जैसे आई में आई में अफेक्ट करेगी हमारे पलमोन रिकार्डिक सिस्टम्स को अफेक्ट करेगी तो इस तरह से अगर हम इसके नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी फिज़िकल थेरेपी और मैनेजमेंट मोडालटीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं टेंस अल्ट्रासाउंड और इस तरह से सारी चीज़ें और फार्माकोलॉजिकल जो है वो इसका सबसे ज़्यादा जो है मेन रोल प्ले करता है जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं एनसेट्स एनसीड्स हमारे पास जो कि कॉक्स टू इनहिबिटर्स होते हैं ये हमारे पास फॉर पेन रिलीफ एंड देन मसल रिलैक्सेंट्स हमारे पास होते हैं कुछ मसल रिलैक्सेंट्स का क्या काम होता है कि हमारे मसल्स जो हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेस्टिक और स्टिफनेस जो क्रिएट क्रिएट हुई हुई थी उसको जो है ख़त्म करते हैं जिसमें टायर टायर्स एंडीन है इसके अलावा बायोलॉजिकल कुछ एजेंट्स होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे पास यहाँ पर है ये भी हमारे पास एंटी रोटिक ड्रग्स ये होती हैं जिसमें हमारे पास टी एन एफ एल्फ़ा बैटा जो कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ मिलकर बनती है और टोक्म जो कि हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इसके बाद हमारे पास इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी हम यूज़ करते हैं कि डायरेक्टली uh, हम जो है उसको जॉइंट में इंसर्ट कर देते हैं ये हमारे पास स्टेरॉइडल uh, होते हैं जो कि हमारे पास अगेन पेन और इन्फ्लेमेशन को रिलीव करवाते हैं एंड लास्टली सर्जरी सर्जरी एक फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव डी फॉर आर्थराइटिस जिसके अंदर हमारे पास इसकी फुल फॉर्म आ जाती है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि जो है अगर हमें रिमड आर्थराइटिस है भी तो अगर हम ले भी रहे हैं तो इसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट हमें दो से तीन महीने बाद जाके मिलेगा अगर हम चाहें कि हमें फ़ौर एक्यूट रिलीफ मिल जाए कि पेन भी सही हो जाए सब कुछ ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं होता तो ये हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं ये क्या करता है ये हमारी जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन कर देता है बट इट टेक्स टाइम फ़ौरन नहीं करता इसका जो इफेक्ट होता है वो ऑनसेट uh, जो होता है वो uh, मतलब फास्ट नहीं होता थोड़ा सा ग्रेजुअली ये हमारे पास जो है अपना इफेक्ट शो करता है एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि ये हमारे पास एक्यूट पेन के लिए सो दिस इज़ फॉर क्रॉनिक पेन विच लास्ट फॉर एटलीस्ट सिक्स वीक्स और मोर देन सिक्स वीक्स सो दिस इज ऑल अबाउट रिमेट